हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित जैन। तो आज मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। आज सुबह ही मैंने सुनी थी। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन नमाज अदा करने के लिए बैठे, अपनी चादर बिछाई और उसके बाद उन्होंने नमाज स्टार्ट कर दी। तो इतने में क्या हुआ कि उनकी बहन, जिनकी शादी अभी हाल फिलहाल में ही पक्की हुई थी, वो अपने मंगेतर से बात करते हुए उनकी चादर पर गलती से पैर रख के आगे निकल गई। तो उसके बाद जब उन पर्सन ने अपनी नमाज को ख़त्म करा, तो नमाज ख़त्म करने के बाद उसके पास आते हैं सिस्टर के पास और बोलते हैं कि तूने ध्यान क्यों नहीं दिया, मेरी चादर पे तूने पैर रख दिया, देख नहीं सकती थी कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, तो तेरे को ध्यान रखना चाहिए। तो वो थोड़ा सा उस पर गुस्सा करते हुए उनके सिस्टर ना उनसे माफ़ी मांगती है क्योंकि बड़े भाई थे। और उसके बाद उनको बोलती कि भैया, मैं अपनी धुन में इतनी रमी हुई थी कि मुझे ना कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा और मुझे नहीं पता लगा कि आप नमाज अदा कर रहे हैं और मेरा पैर उस पर गलती से पड़ गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपकी धुन कहाँ थी, आपका ध्यान किधर था? क्या आप सच में नमाज अदा कर रहे थे? क्या आप सच में इबादत कर रहे थे? वो पर्सन सोचने पे मजबूर हो जाता है क्योंकि उस टाइम उसका ध्यान अपनी इबादत पे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चादर पे फोकस किया। सेम यही चीज़ अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, क्या आप अपने करियर के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे कि एक बार मैं आपसे पूछूं कि मतलब अगर आप सच में अपने करियर को लेके सीरियस हैं तो क्या उसमें आपकी धुनी रमी हुई है? क्या एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं और पक्का मन में है, तो फिर आपको ना तो सर्दी दिखती, ना गर्मी, ना धूप, ना बरसात, ना दिन ना रात, सही है ना? आपको कोई फैमिली फंक्शन दिखते हैं, ना आपको कोई गैदरिंग दिखती है, ना कोई गेट टुगेदर दिखती है। आप कंफर्ट जोन बिल्कुल भूल जाते हैं और आपको केवल अपना एक जगह फोकस होता है कि आपको जो अचीवमेंट करनी है केवल उसको ही देखना है। ठीक है, कहीं आप जो शब्द बोल रहे हैं कहीं वो मैकेनिकल तो नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए बैठे और फ्लाइट अटेंडेंट उनके पास आई, होस्टेस, और वो बोलती है हैव ए नाइस डे सर। तो वो कहते हैं हाउ, उससे पूछते हैं हाउ कैसे। तो वो जो अटेंडेंट थी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो एकदम सोचने पे मजबूर हो जाती है, कहती सर मतलब यार ये तो हम रोज़ बोलते ही हैं ना। तो कहते हैं कि अगर आपने बोला है तो क्या आप दिल से बोल रहे हो? कहीं वो एक मैकेनिकल वर्ड तो नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे कि हाउ आर यू या आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्या आप सच में बोलते हैं हाँ मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है? अगर आप केवल बोल रहे हैं हाँ अच्छा चल रहा है, तो दिल से उसको एक बार देखिए, क्या कहीं वो मैकेनिकल वर्ड तो नहीं है। कई बार हम कुछ मैकेनिकल वर्ड्स के अंदर फंस जाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या दिल से बोल रहे हैं? क्या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं क्या दिल से कर रहे हैं? क्या आज सच में आपकी स्माइल में वो बिज़नेस आ रहा है? क्या सच में आप खुश हैं? इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और अगर नहीं है तो या तो ध्यान देना शुरू कीजिए या अपनी धुन को रमाइए, क्योंकि बिना धुन लगाए, बिना पूरा कंप्लीट फोकस किए आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि जो भी कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ करें, सब कुछ भूल जाइए जब तक वो अचीव ना हो, केवल अपनी धुन में रम जाइए। तो आज फ़िलहाल इतना ही समझाऊंगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, किसी और कहानी के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित जैन। तो आज मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। आज सुबह ही मैंने सुनी थी। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन नमाज अदा करने के लिए बैठे, अपनी चादर बिछाई और उसके बाद उन्होंने नमाज स्टार्ट कर दी। तो इतने में क्या हुआ कि उनकी बहन, जिनकी शादी अभी हाल फिलहाल में ही पक्की हुई थी, वो अपने मंगेतर से बात करती